कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तब तेलंगाना तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। आप 24 घंटे हिंदू मुसलमान का पहाड़ा लेकर बैठती हैं, आपका काम है अपनी टीआरपी को बटोरना, क्योंकि अगर देश होगा तो धर्म बचेगा। तो पहले देश बचाइए, उसके बाद धर्म अपने आप बच जाए। प्रधानमंत्री आप हिंदू लेके बैठे हुए हो, गृह मंत्री हिंदू लेके बैठे हो, उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे, आप तो पागल बना रहे हो जनता को। दूसरा, जो कभी फ्लाइट के अंदर घुस के बहन बेटी के ऊपर बाथरूम करते हैं, जो एक व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, कौन है ये लोग बताइए, जो एक व्यक्ति को मूंछ नहीं बढ़ाने देते, क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है, या सिखों का नहीं है, या ईसाइयों का नहीं है, या हिंदुओं का नहीं है? जब जितनी आपने इस देश की एकता, अनेकता, अखंडता के ऊपर चोट करी है ना, आपको ये देश और इस देश की मिट्टी कभी माफ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का अब जो ऑर्डर आया है इलेक्शन कमीशन को लेकर, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है इलेक्शन कमीशन को लेकर कि प्रधानमंत्री के ही द्वारा वो जो लोग हैं वो नहीं चुने जाएंगे, जो चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो लोग अब विपक्ष की मर्जी से भी, प्रधानमंत्री की सहमति से भी चुने जाएंगे, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा और एक अहम फैसला है, जिससे मुझे अब ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो निष्पक्ष तौर पर होगी। लेकिन आज मैं एक बात के लिए जरूर तालियां बजाना चाहूंगा, और मैं आज वाक्य में इस बात को कह सकता हूं कि इस देश के लोगों को धर्म की अफीम का नशा इतना गंदा उनके दिमाग पर चढ़ गया है कि देश के लोगों को ना तो महंगाई दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है। कल सरकार ने 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाकर देश की जनता को तोहफा दिया, लेकिन ये देश की जनता ने हिंदू और मुसलमान की चीज को ही सर्वोपरि समझा, देश में हिंदू और मुसलमान को ही सबसे ऊपर समझा। कहने का मतलब यह है कि देश के लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ देश के लोगों को आप मुद्दा दीजिए हिंदू राष्ट्र का, अखंड भारत का, उन्हें मंदिरों का, बस। इसके अलावा तो ना तो शिक्षा की बात होती है, ना महंगाई की, ना बेरोजगारी की। क्योंकि आपने देखा कि आज चुनाव के नतीजे आए कई राज्यों के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती या फिर ईवीएम से जीती, दोनों में से एक बात हुई है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि देश की जनता ने एक बार फिर महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर वोट नहीं दिया है, उन्होंने एक बार फिर धर्म के नाम पर वोट दिया है। और अगर आप धर्म के नाम पर वोट देंगे तो आपके बच्चों का हक छीन छीन कर ऐसे ही अडानी साहब को दिया जाएगा, आपका पैसा ऐसे ही अडानी साहब को दिया जाएगा, और ऐसे ही आपका पैसा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग ले लेके भगते रहेंगे, और आपकी नजर में ऐसे नए नए बाबा आते रहेंगे। अब देखा नहीं, कोर्ट ने तो अडानी जी पर भी कमेटी गठित कर दी है ना। देखिए, कोर्ट ने अडानी साहब पर कमेटी गठित करी है, अब इस कमेटी का क्या रिजल्ट आता है और कब तक आता है, ये बड़ी देखने वाली और दिलचस्प बात है। क्योंकि कमेटी और टीम तो इनके लिए भी बनाई गई थी जो पहलवान धरने पर बैठे थे, लेकिन इन बिचारों का क्या हुआ आज तक नहीं पता चला, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि भारत देश का हर एक हिस्सा आज करा रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी की जिस प्रकार से एक हड्डी आज करा रही है, चाहे वो बेरोजगारी से हो, चाहे महंगाई से हो, उसी तरीके से भारत करा रहा है। इसलिए करा रहा है, भारत का जो अभिन्न हिस्सा है यानी जो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर डेली टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है, वहां पर डेली कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, कभी वहां पर जो वहां के पुलिस के जो जवान हैं मुदस्सिर अहमद शेख, वो कभी वो वहां पर शहीद हो रहे हैं, तो कभी संजय शर्मा जैसे लोगों को टारगेट किलिंग के चलते मारा जा रहा है, तो कभी कानपुर के अंदर झोपड़ी के अंदर मां और बेटी को जलाकर मार दिया जा रहा है, और दूसरी ओर बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं पर बेटी के शव को जला दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा ही जीत रही है हर जगह, आप इतनी बातें, भाई मैं आपको यही तो कह रहा हूं, क्योंकि लोगों को, आप ये सोचिए, लोगों को एक नया चस्का चढ़ा दिया है, वो है हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का। और ये एक ऐसी अफीम है, धर्म के नाम की एक ऐसी अफीम है जो इस देश को बर्बाद कर जाएगी। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आप अपने धर्म को मानिए, बिल्कुल, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को, सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की, उनको चुनने की अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन आप धर्म की कंपैरिजन देश से मत करिए, क्योंकि अगर देश होगा तो धर्म बचेगा। तो पहले देश बचाइए, उसके बाद धर्म अपने आप बच जाएगा। परमहंस महाराज हैं अयोध्या के, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री हम बनेंगे। भाई उसको एक काम करिए, जब से आगरा का और सादरा का पागलखाना बंद हुआ है ना, ये संत परमहंस जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं सड़कों पर, तो आप इन जैसे लोगों के पास माइक और भोंपू लेकर क्यों पहुंचते हैं, ये बताइए। वो आदमी ऐसी लंबी लंबी फेंकता है कि शेख सिल्ली की गप भी उसके आगे फेल है, वो कहता है कि मेरे लोग शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं, और मैं देखता हूं कि वीडियो के अंदर वो ट्राइपॉड भी खुद लगा रहा है, अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, इतना शौक है उसे फेमस होने का, ये सोच लीजिए, ट्राइपॉड भी खुद लगा रहा है वो।
अब उसके बाद राष्ट्र के लिए हिंदू राष्ट्र के लिए तो खड़े रहते हैं ना हमेशा। अरे भैया हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े रहते हैं, हिंदुओं की बहन बेटियां जल रही है। अरे हु इज दिस संत परमहंस, मैं पूछता हूँ क्या है ये गवर्नर है क्या है, गुरु कहे जाते हैं अयोध्या में। अरे मैं आपको कल को आपको जगत गुरु बना दूं, आप जगत गुरु बन जाएंगे, मैं भगवा डाल लेता हूं जगत गुरु हो जाएंगे। कैसे राम मंदिर आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं, धरने में बैठे हुए थे भैया राम मंदिर तोड़वाया था किन्होंने भैया, वो तो अभी जल समाधि भी ले रहे थे, ले ली जल समाधि, समुद्र के अंदर घुस के आप लेके आए क्या उनका इंटरव्यू, उन्होंने तो जल समाधि की बात करी थी, बताइए ना पानी के अंदर घुसे थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि अभी रुक जाइए, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, बहुमत अच्छा उसके बाद बनेगा। इन जैसे ना एक नहीं 1000 बाबा घूम रहे हैं सड़कों पर, इन्हें कोई काम धाम है नहीं, ये धर्म की इनसे पूछ लोगे ना आपके बट धर्म की आप डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन, तो इनको नहीं पता कि धर्म की परिभाषा क्या है। ये आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताओ, अबे आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री आप हिंदू लेके बैठे हुए हो, गृह मंत्री हिंदू लेके बैठे हो, उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे, आप तो पागल बना रहे हो जनता को। दूसरी बात ये, आप एक बात कहते हैं कि इस देश के, ये स्टेटमेंट योगी जी का है, योगी जी ने कहा था कि अगर इस देश का बहुसंख्यक अगर शाहरुख खान का बायकॉट कर देगा तो शाहरुख खान की भी हालत आम मुसलमान की तरह हो जाएगी। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी अपने स्टेटमेंट में, यानी कहने का मतलब ये है कि इस देश में हिंदुओं की संख्या एक बड़ी आबादी है, यही तो है। तो एक बात आप सोच कर देखिए अंधभक्तों, अपना ध्यान इस ओर एकत्रित करें, ठीक है ना, गालियां बाद में लिखिएगा, पहले इस बात को बड़े गौर से और ध्यान से कान के पर्दे खोल कर सुनिए, क्योंकि आपके जो फटे पर्दे हैं उनसे भी सुनिए। अब सुनिए, आपने बात करी कि हिंदू राष्ट्र को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, और एक स्टेटमेंट यहां पर 80 बनाम 20 का भी कहा गया था, यानी अगर इस देश में बेरोजगारी है तो 80% तो हिंदू है, यानी सबसे ज्यादा बेरोजगारी से तो हिंदू जूझ रहा है। अगर इस देश में 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ रहे हैं, यानी 80% हिंदू है, तो 80% तो हिंदू 50 रुपए सिलेंडर महंगा दे रहा है, ठीक है। इस देश के अंदर महंगाई है तो 80% हिंदू है। दूसरी बात तो है ना, अरे कैसे फिर भाई बात कह रहे हैं, आए दिन तो हिंदुओं को खतरे पर ले आते हैं, हिंदू कहां से सुरक्षित है, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने वाला कौन है, कोई मुसलमान नहीं है मेरे भाई, आज कुलदीप सिंह सेंगर कोई मुसलमान नहीं है, राम रहीम कोई मुसलमान नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, चिरमेनंद कोई मुसलमान नहीं है, कौन है ये लोग जो कभी फ्लाइट के अंदर घुस के बहन बेटी के ऊपर बाथरूम करते हैं, कौन है ये लोग जो कभी कर्नाटक के अंदर एक बेटी को एक बहन को पानी पीने पर टंकी को गौमूत्र से धोते हैं, कौन है ये लोग जो बच्चे को मटके से पानी पीने पर मार देते हैं, कौन है ये लोग जो एक व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, कौन है ये लोग बताइए जो एक व्यक्ति को मूंछ नहीं बढ़ाने देते, कौन है जवाब दीजिए ना, ये कोई मुसलमान है? और किसको आप किसको बताते हैं इस देश का इतिहास, और किसको बताना चाहते हैं? क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है, यह सिखों का नहीं है, यह ईसाइयों का नहीं है, यह हिंदुओं का नहीं है? जब बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा जा रहा था तो सिख भाइयों ने बहन बेटियों की, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाने का काम किया। आप पढ़िए गुरु तेग बहादुर को, आप पढ़िए गुरु नानक देव जी को, आप पढ़िए बहादुर शाह जफर को, जब उनके बेटों का सर काट के रंगून की जेल के अंदर रख दिया गया था, आप भूल जाएंगे जब उनसे कहा गया, और उसके बाद बहादुर शाह जफर जो जवाब देते हैं कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तब तेलंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की, आप भूल जाएंगे सब चीजें? बताइए, आपको याद रखना चाहिए। आप आज इस देश के अंदर लोगों को बांट रहे हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, क्या अशफाकुल्ला के फांसी का जो बलिदान है आप उसको याद रख नहीं सकते? क्या भूल गए आप अशफाकुल्ला खान ने फांसी का इस देश के लिए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह एक बार फांसी के फंदे पर झूल गए? मतलब आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर इस देश को गुलाम बनाना पड़ेगा, तब आप एक होंगे है? आप आज हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, ब्राह्मणों के नाम पर, दलित के नाम पर, स्वर्ण के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, आप मंदिर के अंदर हिंदुओं को घुसने नहीं देते, फिर कहते हो हम हिंदू एक करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप है? पहले दलितों को उनका हक और अधिकार दीजिए, एक समान अधिकार दीजिए लोगों को, ब्राह्मणों की बहन बेटियों को बचाइए, कश्मीर में ब्राह्मणों को कश्मीरी पंडितों को बचाइए, हाथरस में देश की बेटियों को बचाइए, कर्नाटक में बहन बेटियों को पानी पीने दीजिए, उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत की परिक्रमा कीजिएगा। आपने इस देश के अंदर जो नफरत का बीज बोया है, नरेंद्र मोदी सरकार को कभी माफ नहीं किया जाएगा इस देश के अंदर। मोदी जी आप प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं, एक नहीं दोबारा बन सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी आपने इस देश की एकता अनेकता अखंडता के ऊपर चोट करी है ना, आपको ये देश और इस देश की मिट्टी कभी माफ नहीं करेगी। आपने इस देश के अंदर राम और रहीम के बीच में जो नफरत की दीवार को पैदा किया है, आपको ये मुल्क हरगिज माफ नहीं करेगा। ये मुल्क जाना जाता है किसके लिए? वसुदेव कुटुंबकम के लिए, अतिथि देवो भव के लिए, भारत देश की संस्कृति के लिए। आपने इस देश की मिट्टी को आज अपमानित किया, जिस देश की मिट्टी को विदेश में पूजा जाता है, जिस देश की मिट्टी के लोग गुणगान गाते
लड़ाते हैं, उस देश के लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर आप लड़ाते हैं। अरे शर्म करिए, शर्म करिए अपनी मंदिर और मस्जिद की राजनीति में, कम से कम हम लोगों को छोड़ दीजिए, राजनीति करिए। अरे हम लोग, आप चाहते हैं ना कि हम लोग वोट, अरे आपको ही वोट देंगे। आप एक बार कह तो दीजिए कि मैं मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं करूंगा। नहीं दीजिए हमें बेहतर स्कूल, नहीं चाहिए हमें बेहतर शिक्षा, नहीं चाहिए हमें पेट्रोल डीजल के सस्ते दाम, बढ़ा दीजिए, लेकिन कम से कम हिंदू और मुसलमान को तो मत लड़ाइए। हम इस देश के भाई हैं, हम इस देश के चार भाई हैं। बड़ी तकलीफ, बड़ा दुख और बड़ा दर्द होता है कि जब एक मुसलमान सर पे टोपी लगा कर जाता है तो उसको हिंदू लोग गलत निगाह से देखते हैं, जब एक हिंदू माथे पर टीका लगा के जाता है तो उसे मुसलमान गंदी निगाह से देखते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर चुप रहिए आप, 24 घंटे हिंदू मुसलमान का पहाड़ा लेकर बैठती हैं। आपका काम अपनी टीआरपी को बटोरना। कभी इस देश, इस मुल्क के लिए सोच कर देखिए ना, क्या था ये मुल्क और क्या आज इसकी हालत कर दी। नहीं क्या है, बागेश्वर के भाई को आज अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। अरे कौन है बाबा बागेश्वर, इनके सुनिए, इनके देखिए सुनिए, मैं आपसे सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर इतना समझाने के बाद भी आप लोग नहीं समझ पाते ना, तो वाकई या तो आपने इस देश के इतिहास को नहीं पढ़ा है, या फिर आप इस देश की मिट्टी से रूबरू नहीं होना चाहते। राष्ट्र को लेकर मीडिया में अपनी बात को रखते हैं, ये कह ले कि सनातन के जो, अरे ये मीडिया वाले, अरे कहते हैं उनको, तो उनपे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि कल हो के कोई नेता आ जाए या कोई युवा आ जाए, वो कहते हैं कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, तो उसमें तो कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या ये जो बार बार हिंदू राष्ट्र की अपील कर रहे हैं, तो इन नेताओं को जेल नहीं, इन बोलने वाले को जेल क्यों नहीं होती है फिर? ये कार्रवाई क्यों? ये जैसे एक मालिक जो है वो पालतू कुत्तों को पालता है, ऐसे ही एक देश की सरकार है जिन्होंने कुछ लोगों को रख रखा है स्ट्रीट डॉग के तौर पर। ये स्ट्रीट डॉग जगह जगह जाकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन जब बहन बेटियों को कानपुर में जलाया जाता है, इनकी हलक सूख जाती है। जब इस देश में एक बेटे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, इन लोगों की हलक सूख जाती है। किस लिए? आपको पता है देश की राजधानी में एक बेटी को घसीट दिया गया 8 किलोमीटर तक, एक हिंदू रक्षक नहीं बोला। पता है क्यों नहीं बोला? क्योंकि अपराधी कोई मुसलमान नहीं था। अगर जनाब अपराधी मुसलमान होता तो सारे मुसलमानों के ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिए जाते इस देश के अंदर। ये धरने प्रदर्शन करते हैं, पढ़ाई कर रहे कानून का, मुझे ये बताएं क्या हिंदू राष्ट्र बनना संभव है? कैसे नहीं है संभव? बिल्कुल नहीं है संभव। प्रीएम्बल में लिखा हुआ वो आप चेंज नहीं कर सकते। अरे भैया, जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहले यही कहता है कि हम भारत के लोग, ये चेंज नहीं हो सकता। अरे भैया, उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको रीड करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। दूसरी बात यह कि संविधान से चलने वाला देश क्यों चलेगा किसी राष्ट्र से, हिंदू राष्ट्र से? दूसरी बात यह कि डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, बाबा उनके खिलाफ कार्रवाई बोल रहे हैं, उनको भी पता है कि यह संभव नहीं है बनना हिंदू राष्ट्र, तो फिर इस तरह से। अरे ये बाबा सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, आपने कभी जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का कभी स्टेटमेंट सुना है और किसी का सुना है? ये फालतू लोग जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी धर्म को नहीं पढ़ा, वो लोग आज राम और रहीम के बीच दीवार पैदा कर रहे हैं। क्योंकि राम और रहीम के बीच दीवार पैदा कर अपने पास अपने आश्रमों में चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई भी इस देश में राम और रहीम को बांटने का प्रयास करेगा तो हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।